रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर हसन नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक एलेक्सिस। होम्योपैथी की बहुत बेस्ट मेडिसिन है, ख़ासकर इसकी जो अलामात यानी सिम्टम्स हैं नफसियाती और जहनी अलामात के हवाले से। आज मैं एलेक्सिस के आपको नफसियाती जहनी अलामात सिम्टम्स आपसे बयान करूँगा और फिर ये मेडिसिन यूज़ करने का तरीकाकार भी आपसे शेयर करूँगा। एलेक्सिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें ज़रा सी भी यानी दिमागी और जिस्मानी वर्क यानी काम करने से उनके हाथ पांव सर्द पड़ जाते हैं, यानी सर्द हो जाते हैं। इस वर्ग के मरीज़ में खुद आगाही, धोखाबाजी और असद व नफ़रत बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मरीज़ हर वक्त असद, शक और जज्बाती जुनून में गिरफ्तार रहता है, यानी उसमें मुबतला रहता है। मरीज़ को ये ख्याल तंग ये रखते हैं कि उसे जहर दिया जा रहा है, यानी उसे कोई जहर दे रहा है या दे जाएगा, या कोई उसका पीछा कर रहा है, या उसे पागलखाने भिजवा दिया जाएगा। मरीज़ को मौत के ख्वाब व ख्याल आते रहते हैं और ख्वाब में अपने आप को मुर्दा देखता है, यानी खुद को मरा हुआ देखता है। मरीज़ ख्याल करता है कि उसकी रूह किसी और के कब्ज़े में है और वो तमाम काम किसी और के कहने पर ही करता है। मरीज़ ऐसे कामों का भी एतराफ़ करता है जो कि उसने नहीं किए होते, यानी लाइफ में उसने कोई ऐसा काम किया ही नहीं होता, उसका भी वो एतराफ़ कर लेता है। बतूनी अफराद जो मुसलसल बोलते चले जाएं और एक मौजू अधूरा छोड़कर दूसरा मौजू शुरू कर दें, ये भी इस मेडिसिन की एक नमाया अलामत है। डियर व्यूवर्स, एलेक्सिस की मैंने आपको नफसियाती और जहनी कुछ अलामात मैंने आपसे बयान की हैं। ऐसी अलामात अगर किसी पेशेंट में पाई जाए तो ये जो एलेक्सिस रेमेडी है ये आप 1 mg की पावर में ओनली 1 dose देनी है आपने, 1 dose ओनली। ये याद रहे कि इस मेडिसिन को बार बार दोहराना नहीं है, बस एक ही डोज आपने देनी है। अगर इस मेडिसिन ने वर्क करना हुआ तो 1 dose से ही पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। एलेक्सिस 1 mg की ओनली 1 dose आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है, मौजूदा अलामात जो कि मैंने अभी बयान किए हैं, और इंशाल्लाह ताला पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, यानी उसमें जो अभी मैंने सिम्टम्स बयान किए उनसे बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। नोट, मैं आपको एक दफ़ा यानी एक बार फिर आपसे इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये मेडिसिन आपने बार बार नहीं करवानी, ओनली 1 dose ही यूज़ करवानी है, इसके बाद इस मेडिसिन को हरगिज़ नहीं लेना। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और डिज़ीज़, किसी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।